इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B-73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश, संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। आज से नवरात्रि के पावन अवसर पर संन्मति तीर्थ महावीर जिनालय में, जहां पर एक और प्रथम तल पर भगवान महावीर स्वामी की मनोहारी प्रतिमा विराजमान है मूल नायक के रूप में, और द्वितीय तल पर सहस्रकोट जिनालय और बेदी और बहुत सारी बेदी, मानिस्तंभ, और जो लोग मां पद्मावती देवी की आराधना करते हैं, पद्मावती देवी की प्रतिमा जी और क्षेत्रपाल जी की प्रतिमा भी विराजित है। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं, इनमें साधक और ग्रस्त दोनों अपनी अपनी साधना विशेष रूप से कर लेते हैं। वैसे साधना करने के लिए कोई नियम नहीं है कि आप साधना किन दिन करो। साधना तो कभी भी, कहीं भी और किसी भी वस्तु के भी, किसी भी जगह पर की जा सकती है। लेकिन कुछ विशेष पर्व होते हैं, जैसे घर में दीपक आप रोज जला सकते हो, लेकिन दिवाली के दिन दीपक जलाने का विशेष प्रावधान। रंग गुलाल आप रोज लगा सकते हो, लेकिन होली के दिन रंग गुलाल लगाने का विशेष प्रावधान है। सोले का भोजन आप रोज कर सकते हो, लेकिन प्रवादी राज पर्युषण पर्व में शुद्ध भोजन करने का एक विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार से इन 9 दिनों में विशेष रूप से जाप, पूजा अनुष्ठान, घट स्थापना, ग्रह प्रवेश, वास्तु शांति आदि की जाती है। आपको पता है पर्युषण पर्व साल में कितने बार आते हैं? 3 बार। अष्टानी का पर्व साल में कितनी बार आती है? और नवरात्रि पर्व साल में कितनी बार आती है? 2 बार। 3 बार, एक गुप्त आती है और 2 चैत्र में और भी आने का प्रयास होता है। सर तो बताना मैं चाह रहा था आपको, यहां पर इस नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी के भाव हुए कि रजत चतुर्मास है और रजत चतुर्मास पर इंद्रध्वज महामंडल विधान, जो कि बहुत बड़ा विधान है, कम से कम 27 दिन चाहिए। कितने दिन? 27 दिन। सौधर्म जी सोच रहे हैं महाराज ने 27 दिन बोल दिए, बोला 9 दिन था। कम से कम 27 दिन चाहिए पूर्ण विधि से करने के लिए, नहीं तो 18, 11 और नहीं तो 9 दिन में तो करना, 9 से कम में तो करना ही नहीं। अब प्रसन्नता आ गई लोगों के चेहरे पे, 9 दिन तो करेंगे। तो बताना चाह रहा हूं कि 9 दिन तो कम से कम लगाइए। ध्वजा चढ़ाने का विशेष महत्व है और ध्वजा भी अलग अलग तरीके की है। किसी में बैल का चिन्ह है ध्वजा में, किसी में माला का चिन्ह है, किसी में मयूर का चिन्ह है, किसी में चकवा चकवी का चिन्ह है। ऐसे अलग अलग क्या है वहां पर ध्वजाओं का महत्व है। और सबसे ज्यादा ध्वजा जो है इस विधान में 170 ध्वजाएं सबसे ज्यादा चढ़ेंगी उसमें, और उसमें चिन्ह होता है बैल का। किनका? आगे आगे समय जैसा आएगा जब मैं बताऊंगा सारी व्यवस्थाएं आपको, क्योंकि आज समय विपरीत है, काम भी बहुत सारे करना है। आप ये देख रहे हैं सुंदर सा जिनालय बना हुआ है, ये प्रतीक है। सुंदर सा जिनालय बना है, ये प्रतीक है। ये जिनालय को वहां पर रखा जाता है। जिन्होंने इंद्रध्वज विधान के बारे में सुना होगा, करा होगा। वैसे तो जैनागम में जब विधानों की बात आती है तो गुरुदेव कहते हैं कि आपने उदक चंदन बोल के भी अर्घ चढ़ा दिया तो भी कहीं ना कहीं विधान की श्रेणी में आपका आ जाया करता है। लेकिन ये जो बड़ा विधान होता है ये पूरा विधिवत किया जाता है, विधि पूर्वक किया जाता है, उससे आपके जीवन का कल्याण होता है। विधान करने वाला यजमान होता है। जो पात्र बने हो ये पात्र नहीं, यजमान हैं। और पहले के समय में जब बड़ा विधान होता था, कोई एक व्यक्ति खड़ा होता था कि मेरे परिवार विधान करेगा। योग्य प्रतिष्ठाधार को बुलाते थे, साधु को निमंत्रण देते थे और आने के बाद में पूरे शहर का जीवन कराते थे और सारा का सारा विधान में करते थे। सुबह अभिषेक पूजा, दोपहर में पूरा विधान, शाम को आरती होती थी। अरे आज कार्यक्रम चालू बाद में होता है, आप पहले पूछ लेते हो खत्म कितने बजे हो जाए। चालू बाद में होता है, पूछ लेते हो खत्म कब होगा। और उनसे पूछा जाए पुण्य कितना चाहिए, तो बोले महाराज पुण्य तो पूरा चाहिए और जो बीच के दिनों में नहीं आए उसका भी जोड़ देना। सोच रहे बात को? गोली जितनी खाओगे उतना ही रोग का नाश होता है। गोली जितनी खाओगे उतने ही रोग का नाश होगा। उसी प्रकार से जितना पूजा भक्ति करोगे उतने ही तो अशुभ कर्मों का नाश होगा। शुभ कर्म कर रहे हो, अर्घम निर्पामती, क्या बोलते हो, अर्घम निर्पामती, और बाजार में जाके समोसे चाट पकौड़ी खा रहे हो और पेट में गलची ले रहे हो, क्या होगा? तो विधानकर्ता कैसा हो, यजमान कैसा हो? तो कहते यजमान कुरूपी ना हो, अंगभंग ना हो, कुष्ठ रोगी ना हो, किसी का गलत कार्य करने वाला ना हो, सप्तवैसनी ना हो, इस तरह का यजमान होवे। और जब यजमान इस तरह का होगा, यजमान इस तरह का होगा, तो निश्चित रूप से आपके विधानों की मंत्र शक्ति अलग से आएगी। पहले के जमाने में लोग जब यहां पर आते थे तो घर वालों को बोल के आते थे मंदिर जा रहा हूं, चिंता मत करना, और आज के जमाने में क्या कहते हैं, 9:30 बजे मिस कॉल मारना, 9:45 बजे आधी घंटी मारना, और 10 बजे के बाद तो धड़ाधड़ घंटी मारते जाना कि घर वालों को बता सकता हूं, समाज वालों को, मुझे घर से फोन आ रहा, जाना जरूरी है। क्या कहा, 9:15 बजे तो मिस कॉल मार दिए, 9:30 बजे घंटी मारिए, और 10 बजे तो अनगिनत धराधन मारिए। बोले क्यों, जाने का बहाना भी तो चाहिए। ऐसे ही हुआ, एक जगह विधान चल रहा था, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं विधान करना चाहता हूं। मैंने आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद में जब आशीर्वाद लेके चला, अगले दिन विधान में आया, बोले महाराज जी मुझे आज जल्दी जाना पड़ेगा। हम बोले क्यों, बोले बच्चों को छोड़ने स्कूल जाना पड़ता है ना। ठीक, बच्चों को जाना पड़ेगा। 3 दिन बाद वो खड़ा हुआ, बोले महाराज जी जा रहा हूं, बच्चों को छोड़ने स्कूल जाना है। मैंने कहा बैठ जाओ। फिर खड़ा हुआ, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, बच्चों को छोड़ने स्कूल जाना है। मैंने कहा बैठ जाओ। 30वीं बार वो खड़ा हुआ तो साथ में कमेटी के 1-2 लोग खड़े हो गए, बोले महाराज जी इसको बच्चों को छोड़ने स्कूल जाना है। मैंने कहा सब झूठ बोलते, बैठ जाओ। बोले महाराज जी क्यों। मैंने कहा दिन कौन सा है, बोले रविवार। तो मैंने कहा रविवार को कौन से बच्चों की स्कूल लगती है। उसको बहाना चाहिए था कि रोज बच्चों के नाम पे जाओ, बच्चों के नाम पे जाओ, तो रविवार को भी ध्यान नहीं रहा कि स्कूल बंद रहता है। ऐसा क्यों कर रहे हो, इससे अशुभ कर्म का बंद होता है। यजमान कैसा हो, निर्विकल्प हो। शास्त्र तो यह कहता है कि विधानकर्ता को एक आसन करना चाहिए। एक आसन समझते हो, बैठकर आलती पालती लगाकर भोजन करना चाहिए। जरूरत पड़े तो शाम को फल फूल ले लो, गलत चीजों के प्रयोग से बचो। ऐसा यजमान का विधान होता है। लेकिन ठीक है, पहले के जमाने जैसी आपकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस जमाने में जितना आप कर सकते हो उतना तो आपको करने का प्रयास करना ही चाहिए। तो आज यहां पर इंद्रध्वज महामंडल विधान हुआ, और निश्चित रूप से यहाँ की समाज पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली तो है ही, लेकिन साथ में जो मुख्य पात्र बने हैं, यजमान बने हैं, स्वधर्म, ईशान, कुबेर, यज्ञनायर, सानत, महेंद्र, सामग्री प्रदाता, कलश स्थापन करता, निर्माण स्थापना करता, अष्टप्रात्य स्थापन करता, जो घट यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले क्या हुआ, घट यात्रा हुई ना। घट यात्रा क्यों होती है, क्योंकि जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की घट यात्रा को प्रारंभ कर लेता है, जिनेंद्र भगवान की घट यात्रा में शामिल हो जाता है, कहते हैं उस व्यक्ति के जीवन की घर घर की यात्रा रुक जाती है, क्योंकि उसने भगवान जिनेंद्र की घट यात्रा प्रारंभ कर दी, तो घर घर की यात्रा उसकी अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसके बाद क्या किया आपने, ध्वजारोहण किया ना आपने। उसके बाद में तो जब ध्वजारोहण आपने किया तो ध्वज ईशान कोण में गई, ईशान दिशा में गई, और कहते हैं कि जो ध्वजा ईशान में जाती है वहां सुख समृद्धि शांति अपने आप आया करती है। तो ध्वजा आपकी ईशान तरफ फेरी, ये निश्चित रूप से आपकी विजय पताका का प्रतीक है कि आपको विजय हुई। अपने प्रभु आज्ञा ली, गुरु आज्ञा ली, उसके बाद में घट यात्रा के कलशों से शुद्धि करने का प्रयास किया। ये आपकी आत्म शुद्धि करने का प्रयास करेगा। तो जीवन में भले ही आपको कलश भारी लग रहा हो, लेकिन ये कलश आपके कर्मों से भारी नहीं है। जो आपके कर्म हैं वही तो इतने भारी हैं कि कलश का भार तो कुछ भी नहीं है। तो आज यहाँ पर प्रारंभ हुआ है इंद्रध्वज महामंडल विधान। यहाँ पर ध्वजाओं के माध्यम से सुंदर से जो मेरे हाथ में जिनालय है, इनमें आपको तरह तरह की ध्वजाओं के माध्यम से यहाँ पर मंडल को विस्तृत किया जाएगा, मंडल को सुव्यवस्थित किया जाएगा, और आप अपने जीवन में इंद्रध्वज विधान अर्थात इंद्र जो हैं ध्वज लेकर चलते हैं, ऐसे आपके जीवन में विजय पताका पहुंचेगी, आपके घर में, आपके परिवार में सुख शांति रूपी ध्वजा फैलेगी, और आप अपने जीवन का कल्याण करो। नवरात्रि के पर्व पर आप लोग विशेष कार्य सिद्धि हेतु जो लोग कर सकते हो, गुरुदेव बताते थे कि 9 दिनों में जो व्यक्ति 11 बजे से लेकर रात्रि में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक लाल कपड़े पहनकर लाल आसन पर लाल कलर का पूरा कमरा लाइट आदि लाल करके ओम रीम नमा की 1.25 लाख जाप करता है, ओमरी की 1.25 लाख जाप इन 9 दिनों में करता है, उसको एक विशेष कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। उसके जीवन के सारे काम बिगड़े हुए बन जाते हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। रात्रि में 11 बजे से 1 बजे तक का मुहूर्त होता है, उसमें लाल वस्त्र पहनकर लाल माला से ओमरी नवा की जो जाप करते हैं। ओम में कौन है, पंच परमेष्ठी रीम में 24 दिन कर। तो जब 24 भगवान को पंच परमेष्ठी को नमस्कार करोगी तो आपके सारे काम अभिष्ट कार्य की सिद्धि आपको हो जाएगी। और तरह तरह के मंत्र आदि आप गुरुओं से प्राप्त करके उस जाप को भी करके अपना पुण्यार्जन कर सकते हैं। और जो यहाँ पर प्रतिष्ठाचार्य महोदय जाप बताएंगे, संकल्प करेंगे आप लोग कि जितनी दिन जाप कर सकें सभी को संकल्पपूर्वक जाप करना है, जाप अनुष्ठान में भाग लेना है, जिससे आपके जीवन का कल्याण हो। विस्तृत चर्चा आगे आने वाले समय में करेंगे। संध्या काल में ठीक 7 बजे से आरती आदि जो कार्य होगा वह संपन्न होगा। तो आप सभी जुड़ें, धर्म लाभ लें, यही मंगल शुभभावना। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B-73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश, संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।